हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया adda.com में स्वागत करता हूं। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं सभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये डेली आप लोग को लाइव होता है दोस्तों, 5 PM में डेली आप लोग को देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं उसका पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को सभी लोग लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और क्लासेस के PDF के लिए studyindia.com विजिट कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का PDF भी अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ जो कि AAI के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका AAI का नया अध्यक्ष चेंज हो गए हैं दोस्तों और एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद कीजिए, भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अर्जुन मुंडा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, महज 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा के नाम देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है और इन्हीं को AAI का नया अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाफट सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान, वो कौन सा सम्मान है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किन्हें सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, किरण मजूमदार शाह। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए बायोकॉन की संस्थापक, ये कौन है, बायोकॉन के संस्थापक है किरण मजूमदार शाह, इनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। किससे? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो है दोस्तों फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व छात्रा भी रह चुकी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख चुना गया है। आपको बता दें कि वह 25 जनवरी को इस पद को संभालेंगे दोस्तों, 25 जनवरी से, और यह पद जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के सेना प्रमुख बनने के बाद में खाली था। ठीक है, और आपको बता दें कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि CDS के नाम से जाना जाता है दोस्तों, को जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में सैन्य मामलों के विभाग द्वारा इस नियुक्ति की मंजूरी दिया गया है। ठीक है, आपको भारतीय सेना का नया उप प्रमुख की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, ओलेक्सिए होंचारुक, ध्यान रहे, ओलेक्सिए होंचारुक किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओलेक्सिए होंचारुक किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए यूक्रेन। आपको बता दें दोस्तों, सितंबर 2019 में होंचारुक के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए थे दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने 1991 में आजादी के बाद से वे पहले युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मात्र 35 की ही उम्र में यह पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने K4 परमाणु ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने K4 परमाणु ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा भारत। इस मिसाइल को भारतीय सेना की जो है स्वदेशी आईएनएस अरिहंत जो है दोस्तों उसी के श्रेणी में ये आता है, ठीक है। और आपको बता दें कि हाल ही में इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से किया गया है। कहां से? आंध्र प्रदेश से पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता जो है 3500 किलोमीटर है। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, कितना है? 3500 किलोमीटर। यह मिसाइल पनडुब्बी के से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाने में सक्षम है। और आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि इस मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो कि DRDO के नाम से जाना जाता है उसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बस टिल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन परियोजना जिसको असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण देने का घोषणा किया है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन परियोजना असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण देने का घोषणा किया है? वो अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, कितने करोड़ ऋण देने का घोषणा किया है असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ये विश्व बैंक ऋण दे रहा है दोस्तों असम अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन परियोजना को। ये कितना दे रहा है दोस्तों? ये दे रहा है 630 करोड़ रुपए। कितना? 630 करोड़ रुपए, याद कीजिएगा। आपको बता दें इस परियोजना की कुल लागत 770 करोड़ रुपए है दोस्तों, जिसमें विश्व बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल सहायता राशि 630 करोड़ रुपए है। और इस परियोजना का शेष लागत राशि वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। और विश्व बैंक के द्वारा अपनी शाखा जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि IBRD के माध्यम से जो है ये इसको प्रोवाइड कर रहा है। और इसका ड्यूरेशन पीरियड है दोस्तों 14.5 ईयर, जिसमें 5 साल की छूट अवधि भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मोहन करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किसे नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी पद का अध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा नृपेंद्र मिश्रा। ये दोस्तों यहां पे वे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव थे। क्या थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जो है ये सचिव थे, उन्हीं के कार्यकाल में प्रधान सचिव थे। इन्हीं को जो है अभी जो है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, नृपेंद्र मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। भारतीय महिला पहलवान जिनका नाम क्या है दोस्तों? विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कांस्य पदक, ठीक है दोस्तों। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार के साथ जो है कांस्य पदक जीता है। और विनेश फोगाट ने इक्वाडोर का लुइसा एलिजाबेथ वाल्ड्रेस को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता है। 9th नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में बजरंग पुनिया ने रोम रैंकिंग सीरीज में कितने किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग पुनिया ने भी जीते हैं दोस्तों, वो कितने किलोग्राम? ये 65 किलोग्राम, ठीक है, 65 किलोग्राम वेट का जो है उसी के श्रेणी में जो है इन्होंने बजरंग पुनिया ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और पुनिया ने अमेरिका पहलवान जॉन ओलिवर को फाइनल में 4-3 से हरा करके 2020 का पहला अपना गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 10th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का घोषणा किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला
जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में इस पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से यह समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस समझौते के तहत राज्य में जैव प्रौद्योगिकी पार्क के साथ साथ एक इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 11th नंबर क्वेश्चन, चाप चार कूट उत्सव, ध्यान रहे दोस्तों, चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चार कूट उत्सव जो है दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम सरकार ने 6 मार्च 2020 को दोस्तों मिजोरम लोगों का सबसे बड़ा और सबसे अहम माने जाने वाला चाप चार कूट त्योहार मनाएगी। और मिजोरम के मुख्यमंत्री पुजोरम थांगा है दोस्तों, और राजधानी तो आइजोल पता ही होगा, और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 12 नंबर क्वेश्चन, किस ईरानी फिल्म को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF के 18वें संस्करण में एशियाई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कास्टल ऑफ ड्रीम को। ठीक है दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक राजा मिररिमी है। कौन है? राजा मिररिमी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी इन्हीं के नाम किया गया है। और आपको बता दें कि अंजान दत्त द्वारा निर्मित भारतीय फिल्म फाइनली लव को विश्व श्रेणी के सिनेमा में बेस्ट ऑडियंस का पुरस्कार भी मिला है। कौन से फिल्म? फाइनली लव को। और श्रीलंकाई निर्देशक प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म एक आया था दोस्तों, चिल्ड्रेन ऑफ द सन, इसको भी जो है जूरी अवार्ड दिया गया है। किसमें दिया गया है? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF के नाम से जाना जाता है, जिसका 18वां संस्करण हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आज एंड हुआ। आज जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सुबह कल यानी 23 तारीख को मॉर्निंग 5 बजे ये सेशन डेली होता है दोस्तों, उस वक्त इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मैं बताऊंगा। और साथ साथ में इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को LIC के नियंत्रण वाले IDBI बैंक के उप प्रबंधक निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, लखबीर सिंह, अर्जुन देसाई, सुरेश किशन चंद खातनहर, मणिक चंद्र पांडे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और सीरियस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं उसका पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लासेस का PDF के लिए studyindia.com विजिट कीजिए और वहां से फ्री में क्लासेस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।